अधिकार वाले कब सेना के अधिकार की बात करेंगे, मनीष जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी, और हम भी यही कहते हैं भाई, आतंकवादी का कैसा मानवाधिकार, जब वो मारने आता है बंदूक लेके, हथगोला लेके आपको या आपके देश के लोगों को या आपके सैनिकों को, तो वो मानवाधिकार की चिंता करता है क्या? तो जो मानवाधिकारवादी यहाँ बैठकर आतंकवादियों के मानवाधिकारों की चिंता करते हैं, उन्हें कभी सेना का मानवाधिकार क्यों नहीं याद आता? जब पत्थरबाज सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जब पत्थरबाज सेना के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, तब सेना का मानवाधिकार नहीं होता क्या? लेकिन आतंकवादी के मानवाधिकार की ये लोग तुरंत कूद पड़ते हैं, मैदान में आ जाते हैं कि अरे 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 देखो भारत की सेना क्या कर रही है, कैसे कर रही है। हेलो रोहित जी, अभिजीत मिश्रा हेलो, देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही वोट मिलेगा क्या? काशीराम प्रधान जी, वोट आपने देना, आप तय कीजिए, हिंदू मुस्लिम पे देना चाहते हैं या विकास पे देना चाहते हैं किसी और काम पे? बिहार तक कब आएगा? जल्दी आएगा, प्रियदर्शन ने पूछा है। जागृति गुप्ता कह रहे हैं, लोगों की संवेदनशीलता आतंकियों के लिए ही क्यों जागती है? एक्चुअली क्या होता ना, सबके अपने अपने वोट बैंक हैं, संवेदनशीलता नहीं जागती है, वोट के प्रति चिंता जागती है, या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना होता है, जिसमें किसी को लगता है मुझे आरटी ज़्यादा मिल जाएंगे, किसी को लगता है मुझे फेसबुक पे लाइक ज़्यादा मिल जाएंगे, किसी को लगता है मुझे दो चार अखबार में या सेमिनार में कॉलम लिखने के लिए, भाषण देने के लिए बुला लिया जाएगा, इसलिए वो इस तरह की लाइन पकड़ते हैं। और ये अब तो अपने आप में फैशन है ना कि सेना को गाली दो, टुकड़े टुकड़े भारत कर देंगे इसकी बात करो, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बन जाओ तो आप रातों रात हीरो बन जाएंगे, अचानक 10 लोग माइक लेकर खड़े हो जाएंगे आपके पास कि बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, बड़े बड़े पत्रकार आपका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। तो ये उसी दुकानदारी को बढ़ाने के लिए इस तरह की लाइन ली जाती है, इस तरह की बातें की जाती हैं। मोदी जी जॉल्सन को सिर्फ आतंकवादी याद आते हैं, सेना के लोग क्यों नहीं? ये तो हमारा भी सवाल है राकेश जी। भाई आतंकवादियों के लिए आपका प्यार तो बड़ी जल्दी उमड़ आता है, आतंकवादी को अगर आप घसीटते हुए देख रहे हैं तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। जब इस देश के नागरिक घसीटे जाते हैं आतंकवादियों के द्वारा, उनकी लाशें घसीटी जाती हैं, उनको बम से उड़ा दिया जाता है, उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, उनके घरों पर अटैक किए जाते हैं, इस देश के सैनिकों को मार दिया जाता है शांति काल में, जब कोई युद्ध नहीं हो रहा, उनका मानवाधिकार नहीं होता क्या? उनके लिए तो किसी के मन में प्यार नहीं जागता, उनके प्रति तो कोई मानवाधिकारवादी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, इस तरह के बुद्धिजीवी आकर खड़े नहीं होते कि भाई ये सेना के साथ नाइंसाफी हो रही है, आतंकवादियों का सफाया करो जल्दी से जल्दी। सर क्यों ना इन मानवाधिकारों की बात करने वालों को बस में भरकर एक बार पत्थरबाजों के सामने क्यों नहीं खड़े कर देती सरकार? बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन जी, मैं तो कह रहा हूँ 100-100 की पलटन बनानी चाहिए इनकी, 1500-1500 की पलटन बनानी चाहिए, और इनकी ड्यूटी लगनी चाहिए बॉर्डर पे कि खड़े हो 15 दिन ड्यूटी दो, यहाँ पर पता लगे जब दूसरी तरफ से बिना बताए, बिना किसी युद्ध की स्थिति के, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी संकेत के अचानक रात में गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और पता लगता है कि उस गोलीबारी का फायदा उठा के आतंकवादियों को घुसाया जा रहा। जब पता लगे कि आप जिस बॉर्डर पर बैठे हैं वहां पीछे जिन लोगों की आप रक्षा कर रहे हैं उन्हीं के घरों में छुपाए गए कुछ लोग निकल के आपके ऊपर आकर अटैक कर दे रहे हैं, तब इनको समझ में आएगा कि मानवाधिकार की परिभाषा क्या होती है। अभी तो अपने ऐसी घरों में बैठना, राजधानी में रहना, राजनीतिक पार्टियों के पैसों पर ऐश करना, बयान देना, टीवी पे अपनी फोटो देखना, अखबारों में लेख छपवाना, बड़ा मजा आता है इसमें ऐसी से ऐसी बातें करने में। पास की वो आतंकवादी था, जीशान कह रहे हैं, आपके पास सबूत है कि नहीं था? है तो बताइए। मैं कह रहा हूं कि आतंकवादी था क्योंकि मेरे देश की फौज कह रही है आतंकवादी था। अगर मेरे देश की फौज ने उस पर गोली चलाई है, इसका मतलब वो गोली चला रहा होगा दूसरी तरफ से। अगर देश की फौज ने उसको घेर कर उसके ऊपर अटैक किया और वो मुठभेड़ का शिकार हुआ, तो इसका मतलब वो भी दूसरी तरफ से था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं जीशान साहब, वो पाकिस्तान का रहने वाला था। अब अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं कमेंट, तो फिर तो भाई आपको बुरा लगेगा, आपके भाई बंधु थे। लेकिन अगर हिंदुस्तान से कर रहे हैं तो भैया जहां का नमक खाया प्लीज उस नमक की इज्जत कर लीजिए, और किसी चीज की नहीं करते, माँ बाप की, भाई बहन की नहीं करते, पड़ोसियों की नहीं करते, देश की नहीं करते। तो ये लेख लिखते हैं और ये भी कहते हैं कि भारत की सेना बहुत अत्याचार करती है। आज एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। देश का बुद्धिजीवी गैंग इस वक्त भारत के सुरक्षा बलों से बहुत नाराज है और देश के जवानों से ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि जम्मू में आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद उनके शरीर को रस्सियों से बांधकर क्यों घसीटा गया, आतंकवादियों का ऐसा अपमान क्यों हुआ। इस वक्त आप वही तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों को आधार बनाकर आजादी गैंग के लोग आतंकवादियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनके मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं और भारतीय सेना को क्रूर बता रहे हैं। जबकि सच यह है कि जो कुछ भी इस वीडियो में हो रहा है वो भारतीय सेना की एक प्रक्रिया है। अंग्रेजी का एक शब्द होता है SOP, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमारे सुरक्षा बल किसी भी ऑपरेशन के दौरान कुछ SOPs का पालन करते हैं। आतंकवादियों के शव को ढूंढने के बाद उसे रस्सियों से बांधकर खींचना और पलटना जरूरी होता है और अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना सुरक्षा बलों की मजबूरी है। आतंकवादियों के शरीर में लगे विस्फोटकों से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। अक्सर यह देखा गया है कि आतंकवादियों की लाशों में
बूबी ट्रैप्स लगे होते हैं। यहाँ पर बूबी ट्रैप्स का मतलब है ऐसा कोई भी विस्फोटक जो छूने से या हिलाने से फट सकता है, और सुरक्षा बलों को ऐसे बूबी ट्रैप से पहले भी बहुत नुकसान पहुंच चुका है, इसलिए सेना ने इस प्रक्रिया को अपने एसओपी का हिस्सा बनाया हुआ है। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद हर आतंकवादी की लाश के पास एक सैनिक क्रॉल करते हुए यानी रेंगते हुए जाता है, और उसकी लाश के पैरों में रस्सी बांधकर उसे कई बार हिलाया जाता है, जमीन पर खींचा जाता है ताकि अगर कोई बूबी ट्रैप हो तो उसका तुरंत पता चल जाए। आतंकवादी हमेशा अपने शरीर पर विस्फोटक बांधकर सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। जब सेना और सुरक्षा बल के जवान उनकी लाश के पास जाते हैं तो कई बार धमाका होने का खतरा रहता है। कई बार ये भी किसी को पता नहीं होता कि आतंकवादी वाकई में मर चुका है या फिर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये कैसे पता चलेगा? मौका मिलने पर वो अपने शरीर में लगे ग्रेनेड का पिन खींचकर धमाका कर सकता है जिससे सैनिकों की जान जा सकती है। आतंकवादी के मारे जाने की स्थिति में भी उसकी लाश में कोई भी विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ग्रेनेड का पिन निकालते ही आतंकवादी मर जाता है लेकिन उस हथगोले में विस्फोट नहीं होता, और जैसे ही सुरक्षा बल के जवान उसकी लाश की जांच करने की कोशिश करते हैं तो अचानक धमाका हो जाता है। ऐसे विस्फोटकों से खुद को बचाने के लिए हमारे सैनिक हमेशा रस्सी की मदद लेते हैं और आतंकवादियों के शरीर को रस्सी से बांधकर खींचते हैं। इससे जुड़ा एक और उदाहरण आज आपको देना बहुत जरूरी है। ये जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में हुए हमले के बाद की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जब लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार अपनी टीम के साथ आतंकवादियों की लाश को झाड़ी से निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो एनएसजी के अलीट बॉम्ब स्क्वाड को हेड कर रहे थे। 3 जनवरी 2016 की सुबह एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल टीम को मारे गए आतंकवादियों के शरीर से जिंदा ग्रेनेड्स और उन पर लगे बमों को निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिस इलाके में ये पूरा सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चल रहा था वो काफी घना था और वहां पर कई ग्रेनेड्स और विस्फोटक मौजूद थे जिनमें ब्लास्ट नहीं हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार ने फैसला किया कि वो खुद इस ऑपरेशन को लीड करेंगे और आतंकवादियों के शरीर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED ढूंढेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने मारे गए दो आतंकवादियों के शरीर से बंधे हुए IEDs को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन तीसरे आतंकवादी के शरीर पर बंधे लाइव ग्रेनेड में धमाका हो गया और इसकी वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार शहीद हो गए, उनकी जान चली गई। इस धमाके में उनकी टीम के एक और सदस्य मेजर अमित त्यागी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये शहादत ऐसे सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो आज सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। इस विश्लेषण के माध्यम से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आतंकवादी के शरीर को रस्सी से खींचकर घसीटे जाने पर जिन लोगों को इतनी आपत्ति हो रही है उन्हें एक बार फिर इस तरह के ऑपरेशंस में खुद शामिल होना चाहिए और इससे जुड़े खतरे को महसूस करना चाहिए। इससे उनकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और वो इस तरह के सवाल उठाना बंद कर देंगे। हमने कल भी कहा था कि ऐसे लोग अगर कभी एनकाउंटर में कभी फंस भी गए तो डर के मारे उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा और हम चाहेंगे कि ये लोग इस तरह के एनकाउंटर्स को करीब से देखें। लक्ष्य तैयबा के लगते हैं, जिस तरह इनके पास हथियार एमिनेशन था और जिस तरह के इनके आईडी थे, ये एलईडी के लगते हैं। जब आतंकवादी गोलियां बरसाएंगे तो उनके मानवाधिकारों की बात करने वाले सुरक्षा बलों को कवच बनाएंगे। जब आतंकवादी देश के बहादुर सपूतों के शरीर को शत विशक्त करेंगे तो आतंकवादियों के मानव अधिकारों की बात करने वाले चुप हो जाएंगे। इस सड़क पर जब पत्थरबाजों की फौज सीआरपीएफ के जवानों को थप्पड़ मारेगी तो पूरे देश में सन्नाटा पसर जाएगा।
लेकिन जब उन्हीं आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर सुरक्षा बल पूरी एहतियात के साथ उनके शरीर को घसीटकर बाहर निकालेंगे तो इतना शोर शराबा मचा दिया जाएगा कि पता नहीं देश के सुरक्षा बलों ने कौन सा अपराध कर दिया। हालांकि ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि सुरक्षा बलों को पानी पी पी कर कोसने वाले लोग पहले पर्दे के पीछे रहकर एजेंडा चलाया करते थे और अब ऐसे लोग खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से देश के जवानों का हौसला कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन बुद्धिजीवियों को इस बात का जरा सा भी ज्ञान नहीं कि एक आतंकवादी के शरीर को रस्सियों के सहारे घसीटकर जंगल या झाड़ी से बाहर निकालना कोई नया तरीका नहीं है बल्कि पुराना तरीका है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आतंकवादियों के शरीर में बंधा विस्फोटक ब्लास्ट ना कर जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे सुरक्षा बलों को जान माल का नुकसान हो। जब भी कोई आतंकवादी एनकाउंटर में मारा जाता है तो एक ड्रिल के मुताबिक उसको रस्सी से बांधकर थोड़ा ड्रैग किया जाता है। इसकी एक वजह है और वो वजह ये है कि कई बार हमारे जवानों को कैजुअल्टीज लेनी पड़ी क्योंकि हर मिलिटेंट के पास जब वो एनकाउंटर में आ जाता तो उसका आईडी लगा होता है और जैसे ही उसके मरने के बाद कोई भी हमारा सैनिक जवान उसको उठाने जाता था या उसके हथियार उठाने जाता था, उसकी तलाशी लेते था, तो ये आईडी फट जाता था। और कई बार पिछले 30 साल में कई हमारे जवान ये कार्रवाई करते करते जो है वो शहीद हो गए, कैजुअल्टी हो गए, जख्मी हो गए। तो हमारा जो है इस प्रकार से कि मिलिटेंट को उसके मरने के बाद न्यूट्रलाइज होने के बाद अब ये ऑर्डर दिए गए कि कोई भी उसके नज़दीक नहीं जाएगा क्योंकि आईडी फटेगा और जितने भी जवान नज़दीक में खड़े होंगे सबकी कैजुअल्टी हो जाएगी और सबका नुकसान हो जाएगा। साफ जाहिर करता है कि ये जो लोग दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन दफ्तरों के अंदर रिपोर्टें तैयार करते हैं उनको जमीनी हकीकत के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए, ये जो दहशतगर्द आते हैं ये मरने के लिए आते हैं, इनका काम है कि टास्क पूरा करके चाहे उनकी मौत भी चली जाए, ये वहां से उनको मरने के लिए ही भेजा जाता है। ये अपने जिस्म के ऊपर बारूद लगा के आते हैं, कई एक्सप्लोजिव लगा के आते हैं और इसीलिए ये एक ड्रिल है कि जब वो इलिमिनेट भी हो जाते हैं, उनको मार भी दिया जाता है तो उनके नजदीक नहीं जाते हैं, उनको दूर से ही खींचते हैं। हालांकि सेना और सुरक्षा बलों के काम करने के तरीके से देश के तथाकथित मानवाधिकार संगठन और कश्मीर की सियासी पार्टियों के नेता नाराज हैं। उनकी बातों को सुनकर तो अब ऐसा लगता है कि अगर उनका वश चले तो वो आतंकवादियों को मारने के बाद घसीटना नहीं बल्कि माला पहनाना शुरू कर दें। ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। देखिए, जंगी कानून भी है, जब मिलिटेंट जिंदा होता है तो वो उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, उसके पास गन होता है, यहाँ से वो लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जब इंसान जाता है इस दुनिया से तो फिर अच्छी बात नहीं है कि मारकर चाहे दुश्मन ही हो, बदतरीन दुश्मन हो, उसका भी रेस्पेक्ट किया जाना, वही हर कोई मजहब मेरे ख्याल में सिखाता है। कानून का तकाजा, अकल का तकाजा और इंसानियत का ये तकाजा है जब कोई आदमी मर गया तो उसके बाद उसको घसीटना, तकलीफ देना जहालत है और ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस आतंकी को गोली मार दी उसका तो अंजाम हो गया, उसे तो सजा मिल गई, वहाँ तो फुल स्टॉप लग जाता है। अब तो वो एक लाश रह गई है, उसके साथ आप कुछ करेंगे तो उसे तकलीफ नहीं पहुँचेगी, उसके घर के लोगों को तकलीफ पहुँचेगी। इन लोगों से कोई ये पूछे कि जब वही आतंकवादी हमारे देश के सैनिकों का सिर काट कर ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, तब उनका दिल क्यों नहीं पसीजता? सच तो ये है कि देश के सैनिकों पर होने वाले अत्याचार से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे पत्थर दिल बुद्धिजीवी और नेता हैं जो पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं। अगर सेना कभी किसी पत्थरबाज को जीप से बांध दे तो ये लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। लेकिन जब आत्मरक्षा में सुरक्षा बल कोई जरूरी कदम उठाएं तो बिना देरी के उसे आतंकवादियों के मानवाधिकारों का हनन बता दिया जाता है।
मानवाधिकारों के नाम पर शोर शराबा करने वाले कुछ लोगों के खून में गद्दारी है, बेईमानी है, दगाबाजी है। जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है वो मानवाधिकार उनके नाम पर ऐसी साजिश कर रहे हैं, ऐसी सियासत कर रहे हैं, गद्दारी है ऐसे लोगों के खून में। जिहादियों ने जब सिविलियनों को मारा होता है तो क्या उन्होंने एक बार भी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे ये कहे कि भाई जिहादी भी कई सालों से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं? जितने भी ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स हैं या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इन सबको फील्ड ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि इनको जो हकीकत पता लग सके, इनको पता लग सके कि किस प्रकार ये एंटी टेरर ऑपरेशन किए जाते हैं और एंटी टेरर ऑपरेशन में ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद क्या खतरा है। दिल्ली में बैठकर रिपोर्टें बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप उस जवान से पूछिए जो कि अपनी जान हथेली पे लेकर टेररिस्ट का मुकाबला करता है। जहां तक मानवाधिकारों की बात है, भारत के सुरक्षा बल अच्छी तरह जानते हैं कि किसके साथ कैसा सलूक करना है। कारगिल युद्ध इस बात का गवाह है कि भारतीय सेना ने दुश्मनों के शव को न सिर्फ पूरी तरह सम्मान दिया बल्कि उन्हें अपने हाथों से पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया भी था। और बाद में सलामी के साथ उनके शरीर को पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को सौंपा था। लेकिन रही बात आतंकवादियों की, तो उनकी लाशों को सम्मान देकर हम अपने ही वीर सपूतों की शहादत का अपमान करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि अक्सर देश विरोधी ताकतें ऐसे ही मौके का फायदा उठाती हैं। आतंकवादियों की कब्र बनाकर उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है और एक तरह से आतंकवादी की कब्र उसके चाहने वालों के लिए तीर्थ स्थान बन जाती है। इसीलिए न हमें सिर्फ इस परंपरा को रोकना होगा बल्कि आतंकवादियों से अंतिम संस्कार का अधिकार छीनकर उन्हें उनका सही स्थान दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक और खास बात पर गौर कीजिए। जरा सोचिए कि जिन लोगों ने आतंकवादी की लाश के साथ अपनाई गई प्रक्रिया का यह वीडियो बनाया और उसमें अपने एजेंडे वाला मसाला मिलाकर फैलाया, वो लोग कौन हैं? ये वही पत्रकार हैं जो कल भारतीय सेना के जवानों के पीछे छुपे हुए थे और अपनी जान बचा रहे थे। कल भी हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, जब एनकाउंटर अचानक से शुरू हुआ, आतंकवादी ने गोली चलानी शुरू कर दी तो ये सारे पत्रकार भारतीय सैनिकों के पीछे ही छुपे हुए थे। और 24 घंटे के अंदर ही जब इनकी जान बच गई, इन्हीं पत्रकारों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और देश को ये बताने की कोशिश की कि भारत के सैनिक कितने क्रूर हैं। वैसे जिन लोगों को भारतीय सेना की कार्यशाली पर इतना गुस्सा आ रहा है, उन्हें वर्ष 2015 की ये तस्वीर भी देखनी चाहिए, जब सीरिया के एलेपो में आईएसआईएस के एक आतंकवादी की लाश को गाड़ी के पीछे बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा गया था। भारत में आतंकवादियों के मानव अधिकारों की बात करने वाले भारत के सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि कम से कम उन्होंने इस आतंकवादी के शरीर को सिर्फ कुछ मीटर की दूरी तक रस्सी से बांधकर ही घसीटा। यहां हम उस विचार का भी आज जिक्र करना चाहते हैं जिससे इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों का मुंह बंद किया जा सके। आपको याद होगा जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, तब उसे किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं दी गई थी बल्कि उसे बीच समंदर में फेंक दिया गया था, किसी को लाश तक नहीं दिखाई गई थी। यानी अमेरिका ने आतंकवाद के सबसे बड़े प्रतीक को अपने देश की जमीन पर कोई भी जगह नहीं दी। और अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें लगता है कि किसी भी ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों से धार्मिक आधार पर उनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार छीन लेना चाहिए और आतंकवादियों को कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए। यही उनके लिए सबसे सही बात रहेगी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए आतंकवादी का भी कोई धर्म नहीं होता। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवादी को जलाया जाए या फिर दफनाया जाए। ये विचार हमने आज एक बार फिर आपके सामने रखा क्योंकि हमें लगता है कि आतंकवादियों को करारा जवाब देने का ये सबसे शांतिपूर्ण तरीका है, सबसे शांतिपूर्ण रास्ता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।
और अब हम आपको जो खबर दिखाने वाले हैं वो देश की एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है। यकीन मानिए, जब से हमने ये वीडियो देखा हमारा मन भी बहुत दुखी है।